जी। जी। अल्लाह ताला क्या करता है कि उसको हिदायत देता है रास्ते खोलता है तो अल्लाह ताला कौन से रास्ते खोल रहा है एक इसमें जरा एक बात मैंने इंट्रो में कही थी मैं उसे रिपीट कर देता हूँ जो सुप्रीम फिलॉसफी है वो तो कुरान करीम है ना तो क्या कुरान करीम की जानिब हम बढ़ते हैं कोशिश करते हैं कुराने करीम को सीखने की समझने की तो बहुत सारे ऐसे निकात भी सामने आ जाते हैं जो हमारे जहन से महव थे अल्लाह ताला मुनकशिप कर देता है वो बातें यानी उलू में कुरानी हम तक आ जाते हैं या इसके अलावा यानी अल्लाह जो रास्ते खोलता चला जाता है वो कौन कौन से रास्ते हैं बहुत कीमती सवाल है और बड़ा अहम सवाल है और एक कन्फ्यूजन भी कभी आता है कन्फ्यूजन भी आ जाता है रास्ता तो एक है सीधा जी तो अब ये रास्ते क्या मुराद रास्ता तो एक है ना सरात सूरत में हम कर रहे हैं तो अभी बहुत सारे रास्तों से क्या मुराद है इस पर भी आने से कबल लफ्ज हिदायत का एक तफसी पहलू भी सामने रहे तो फिर यह रास्तों को समझना इन शस्बता आसान होगा वो क्या है हिदायत का मतलब समझा देना भी है सुझा देना भी है और थोड़ा सा आगे बढ़कर और ज़रा डेप्थ में एक्सप्लेन कर देना भी है अरबी उसतूप में हिदायत का मफहम आखिर मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है हम किसी इलाके में बैठे उससे कोई एक डेढ़ किलोमीटर दूर कोई जगह है एक साहब वो हमसे पूछते हैं हम उसको बताते हैं ऐसे चले जाओ एक हो सकता है कि हम उसको अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ तक पहुँचा भी आएँ बाजात ऐसा भी हो सकता है हिदायत की हमें ज़रूरत कहाँ तक है जब जन्नत वाले अल्लाह के फतर से जन्नत पहुँचेंगे तो उनकी ज़ुबान पर शुक्र का तराना होगा सुरतलआराफ आयत वन फोर्टी थ्री में अल्लाह ते कलि नकल किए कि जन्नत वाले कहेंगे अल्हदल्ला हदा ना लिहादा तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह सुबहान ती है जिससे यहाँ तक की हमें हिदायत अता फरमा दी